मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में ग्वालियर महापौर सीट हारने के बाद अब भाजपा सभापति बनाने के लिए एड़े चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी ताल ठोकने से पीछे नहीं हट रही है। दोनों ही पार्टी अपने अपने पार्षदों को सुरक्षा के घेरे में रखे हुए हैं, क्योंकि 5 अगस्त को सभापति के लिए वोटिंग होनी है। इसको लेकर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। चुनावी सरगर्मियां तेज, पार्षदों के हाथ में सभापति का ताज, खरीद फरोख्त में लगी दोनों पार्टियां। बीजेपी पार्षदों का दिल्ली डेरा, कांग्रेस पार्षद अंडरग्राउंड। 5 अगस्त को होगी वोटिंग। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह लेंगे बैठक। वोटिंग से पहले दल ना बदलने पार्षद, अपनों पर ही भरोसा कर पाना हो रहा मुश्किल। कांग्रेस पार्षद बीजेपी में शामिल, मतदान से पहले बगावत का डर। ग्वालियर सभापति के लिए 5 अगस्त को वोटिंग होनी है। इससे पहले ही भाजपा ने अपने नव निर्वाचित पार्षदों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। इसी को लेकर ग्वालियर में नव निर्वाचित भाजपा के 34 पार्षदों को दिल्ली बुलाया गया है। ये सभी 34 पार्षद मंगलवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा का वरिष्ठ नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर 34 पार्षदों के साथ बैठक लेंगे। सूत्रों की माने तो सभी 34 पार्षद सभापति की वोटिंग के दिन वापस लौटेंगे। इसी को लेकर भाजपा कांग्रेस अपना अपना सभापति बनाने का दावा ठोक रही है। वहीं कांग्रेस ने अपने पार्षदों को अंडरग्राउंड कर दिया है। अब भाजपा को डर है कि कहीं उनके पार्षद सभापति को लेकर क्रॉस वोटिंग ना कर दें। लेकिन कांग्रेस भी अपने पार्षदों को लेकर सहमी हुई है, क्योंकि वार्ड क्रमांक 6 से कांग्रेस पार्षद ने बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे घबराई कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों को सुरक्षा के घेरे में रखा है। अब देखना होगा कि 5 अगस्त को होने वाली वोटिंग में किसके सिर पर ताज सजेगा। हमारे कोई पार्षद जो है पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, और मैं बाकी और जो पार्षद हैं हमारे दल के नहीं है उनसे भी कहेंगे कि जनता के निर्णय का साथ दें और आत्मा की आवाज़ पर वोट दें। जिस तरह जनता ने ग्वालियर में कांग्रेस का महापौर बनाया, सभापति भी कांग्रेस का होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी अंतरात्मा की आवाज़ से जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो वो है उस फ्रेंड, उसी पर खड़े उतरे। हमारे साथ 3 निर्दलीय और 1 वो हैं, ऐसे हम 29 लोग हैं। अभी साथ में जा रहे हैं दर्शन। कौन से भगवान के शरण में जा रहे हैं? जो भी भगवान है सब भगवान हमारे, उन भगवानों के शरण में जाके सबसे प्रार्थना करेंगे, सद्बुद्धि की मांग करेंगे, लोगों को सद्बुद्धि मिले। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट।